Next question. Question says the Brewster angle IB for an interface should be option है IB equal to 90 और 0 से 30 के बीच में या 30 से 45 के बीच में 45 से 90 के बीच में. Now अच्छा conceptual सवाल है. Scenario ये है कि ये आपकी surface है और ये आपकी light यहाँ पे ऐसे incident हुई और जो आपकी incident light है आई. Theory में हम ये सारी बातें करते हैं. So कुछ portion आपका यहाँ पे reflect हो गया. So ये आपका angle I होगा. कुछ यहाँ पे आपका रिफ्रैक्ट हो गया और ये वाला एंगल जो R है और इन दोनों के बीच में 90 का एंगल होता है. और इस केस में हम कहते हैं कि जो आपका अगर ऐसा सिनेरियो हो रहा है सो tan I जो भी आपका ब्रूस्टर एंगल है दैट शुड बी इक्वल टू म्यू. अजम्पशन यह है कि यहाँ पे एयर है. नाउ म्यू की वैल्यू हमें पता है कोई भी आपका जो मटीरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है सो म्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वन. सो म्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वन. वन हम एयर का या वैक्यूम का मानते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा वन से ज़्यादा होगी. इम्प्लाइज आपका टेन थीटा जो है या टेन आई बी जो है दैट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन वन. ये आपकी वैल्यू हमेशा वन से ज़्यादा आएगी. ना वन से ज़्यादा आने का मतलब ये है कि आपका टेन थीटा जो है टेन आई बी दैट इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री का एंगल. और ऑफकोर्स दिस विल बी लेस देन आपका दिस विल बी लेस देन 90 डिग्री का एंगल. उल्टा लिख दिया मैंने शायद. हाँ so this will tan theta will be greater than 45 and this will be always less than 90 degrees. so this will be our final answer. ठीक है सिंपल सी बात है. 90 से ज़्यादा कर रहे हैं तो हम रे को यहाँ ना करके फिर इधर से इंसिडेंट कर रहे हैं. ठीक है सो इसकी वैल्यूज 45 और 90 के बीच में लाई करेगी.